छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले में स्थित बाल संप्रेषण गृह से वार्डन को चकमा देकर भागी किशोरियों को नागपुर की कर्तव्य परायण दो महिला वाहतूक पुलिसकर्मियों ने धर दबोचा है, जिससे इन होनहार महिला आरटीओ पुलिस का सभी क्षेत्रों से अभिनंदन किया जा रहा है। गौरतलब है कि दो दिनों के पहले ही घटना पर नजर डाले तो खबरों के सिलसिले में छत्तीसगढ़ की एक बड़ी घटना नजरों के सामने आती है, जहां छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में स्थित बाल संप्रेषण गृह से तीन नाबालिग किशोरियां वार्डन को चकमा देकर फरार हो गई थी। तीनों के भागने का तरीका भी बहुत फिल्मी अंदाज का था। ज्ञात हो कि तीनों नाबालिग किशोरियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस के मुताबिक किशोरियों ने होमगार्ड कर्मियों को एक कमरे में बंद कर दिया और उन्हें चकमा देकर फरार हो गई। बाल संप्रेषण गृह से भागने वाली दो किशोरियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला पंजीबद्ध है। बसंतपुर थाना क्षेत्र स्थित बाल सुधार गृह से शुक्रवार की रात 8:30 बजे तीन नाबालिग किशोरियां दो होमगार्ड कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गई। तीनों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। दो किशोरियों पर हत्या 302 का मामला दर्ज है और एक पर सार्वजनिक स्थान पर अपशब्द कहने 294, जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने यानी 323, डकैती यानी 394 और धारा 34 के तहत मामले दर्ज है। तीनों ने बाल सुधार गृह से भागने के लिए पास ही रखी एक एक्टिवा स्कूटी का सहारा लिया। पुलिस के मुताबिक उन्होंने सुधार गृह में आग लगने की झूठी अफवाह फैलाई और वार्डन को धोखा देकर भाग गई, जहां इन तीनों गंभीर अपराधियों की तलाश पुलिस कर रही थी। उसे बीच शनिवार 6 जुलाई को ट्रैफिक कांस्टेबल वैशाली दुरुककर और पुलिस कांस्टेबल पूजा पुरी दोनों वर्धमान नगर चौक पर ड्यूटी पर थे और उसी की मध्य रात करीब 11:45 पर एक बाइक पर तीन नाबालिग लड़कियां दिखी और बाइक पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी, जिससे दोनों को शक हुआ कि हो ना हो दान में कुछ काला है। मामले की गंभीरता को समझते हुए पूजापुरी और वैशाली दुरुककर ने तीनों से गंभीर पूछताछ की, लेकिन उन्होंने टाल मटोल जवाब दी। जांच करने पर पता चला कि उनके बैग में कपड़े और टिफिन भी था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से समझते हुए लकड़गंज ट्रैफिक पुलिस आयुक्त संतोष वैरागड़े को इसकी जानकारी दी। जब तीनों लड़कियों को थाने लाया गया और गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला कि वे राजनांदगांव के बसंतपुर थाना अंतर्गत बाल संप्रेषण गृह से भागी हुई है, जिसके चलते इस घटना की जानकारी बसंतपुर पुलिस को दी गई। उन्हें नागपुर पहुंचने में देर नहीं लगी क्योंकि बसंतपुर पुलिस पहले ही तलाश में निकल चुकी थी। वैरागड़े ने तीनों लड़कियों को उन्हें सौंप दिया। बसंतपुर पुलिस ने कर्तव्यनिष्ठ महिला पुलिसकर्मियों की सराहना की और उन्हें नगद पुरस्कार भी प्रदान किया। पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविन्द्र कुमार सिंघल द्वारा भी इन कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मियों की सराहना की गई है। साथ ही साथ पुलिस उपायुक्त यातायात शशिकांत सातो ने भी दोनों महिला पुलिस कर्मियों को बधाई दी है। इस मामले की चक्षुदर्शी पुलिस कांस्टेबल पूजा गिरी ने पूरी हकीकत बताई है। सर, वो तीन लड़कियां वर्तमान चौक में आई, हमारे वर्तमान चौक पे ड्यूटी थी। तीनों लड़कियां गाड़ी पकड़ी, दीदी ने गाड़ी पकड़ी, फिर दीदी ने बुलाई, हमने उसको पूछताछ किए तो उन्होंने उड़बड़ कर दिया, मतलब उनको संशय पद लगी है। उनको बोले कि आप कहाँ से आए, तो उन्होंने बोले हम नागपुर शहर घूमने के लिए आए हैं। मैंने कहा भाई आप नागपुर से, तो हम लोग बोले आज सुबह ही आए। मैं बोले सुबह आए तो आप लोग तुरंत जा रहे हैं वापस? हाँ बोले हम लोग तुरंत घूम लिए वापस जा रहे हैं। तो हमें मुझे कोई अच्छा लगा नहीं, दीदी ने बोले अपन चेक करते हैं। हमने बोले चेक किए उसको, उसे बोले कपड़े थे, इसके पास में बर्तन थे, उसे खाने की चीज थी। तो फिर उसको बोलते वो अपने माँ बाप को बुलाओ, तो बोलते हमारे माँ बाप का फोन नंबर नहीं हमारे पास में। मैंने ऐसा तो हो सकता नहीं कि माँ बाप का फोन नंबर नहीं है, नहीं हमारे पास मोबाइल में फोन नंबर ही नहीं है। फिर हमने उनको ढूंढ ले गया, बोले कि तुम्हारा फोन नंबर है तो हमको फोन नंबर देना ही है। बोले मैंने बोले बहुत चिल्लाई तू फोन देती कि नहीं देती बोली। उसने फिर एक छोटा सा फोन निकाला, फिर वो फोन से मैंने एक फोन किया, तो फोन पे उसने उस लड़के ने बोला कि आप तमन्ना बोल रहे हैं? हाँ मैं तमन्ना बोल रही हूँ। तो आप बोलिए सर, तो बोले आप भंडारा आ रहे वाले थे मेरे को मिलने? आ रहे नहीं। मैंने क्यों, क्या हुआ, क्या काम है? नहीं आप मिलने आने वाले थे ना? बोले मैंने अपने सर से कुछ गलत से वर्ड बोला तो मुझे सजा आ गया कि लड़की के कुछ लक्षण ठीक नहीं थे। हमने तुरंत भी उसको एक या पूछताछ की, फिर उन्हें बोला कि मैडम हम आपके हाथ आते नहीं, गाड़ी जमा कर लो। मैंने हम आपको हमारे हाथ में चलना ही पड़ेगा। फिर दीदी को बोले गाड़ी लो, उनकी गाड़ी मैंने ली, दीदी ने दूसरी अपनी खुद की गाड़ी ली, उनको बिठाए ऑफिस में ले गए। तीनों लड़के अलग अलग बिठाने के बाद में उनको पूछा हमने कि आपका क्या है, तो उन्होंने बोला कि हम कुछ भी नहीं है मैडम, हम ऐसे ही घर के आए थे। छोटे वाले 302 के आरोपी थी उसको हमने पूछा तो लड़की ने बोला मैडम मेरा कुछ नहीं है। फिर मैं नीचे आके बोली कि लड़की तुम्हारे बारे में सब कुछ बता रही है, ऐसा ऐसा वैसा कर रहे हैं। तो नहीं हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया बोले। लेकिन वो जो छोटे लड़के थे उन्हें बोला कि मैडम आप दूसरी लड़की के पास में जाइए, उसके पास में मोबाइल फोन है। फिर मैंने उनको चेक रूम में ले गई, चेक रूम के बाद में उसके पास दूसरा मोबाइल दिखा, फिर उसको पूछताछ की। फिर एक दो झापड़ मारने के उससे बताया कि हम लोग ऐसा है। फिर उन्होंने बताई हमने भाई का मर्डर किया है, जिसने बताई बॉयफ्रेंड साथ उनके मर्डर किया। हाँ तो एक बार तीनों बालिका है, एक है 302 की आरोपी है, दूसरी 302 की आरोपी है, एक 394 की आरोपी है। इन्होंने एक ने अपने भाई का मर्डर किया हुई है, दूसरे ने अपने बॉयफ्रेंड दूसरे का मर्डर किया हुआ, एक ने चोरी केस में अंदर आई हुई थी। ये है छत्तीसगढ़।
रंजन गाँव, वहाँ रिमांड होम में थी सर। और रिमांड होम में उन्होंने वार्डन को बोले कि आग लग गई, बाथ में ऑयल डाला और मैडम देखेंगे तो ऑयल डालते ही उन्होंने मैडम को से धक्का मार दिया, मैडम बंद कर दिए। और ये तीनों लड़कियां उनका सामान वगैरह लेके, सब मोबाइल वगैरह लेके चुरा के लोग उनकी गाड़ी लेके, गाड़ी का नंबर वगैरह लाके वो लोग नागपुर में आए। गौरतलब है कि पुलिस की कर्तव्य दक्षता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है अपराध की रोकथाम। इसके लिए पुलिस को सतर्क रहना पड़ता है और संभावित अपराधियों पर नजर रखनी पड़ती है। पुलिस की गश्त और चेकिंग का नियमित आयोजन अपराधियों में डर पैदा करता है और समाज में सुरक्षा का वातावरण बनता है, जिससे यह कहा जा सकता है कि पुलिस की कर्तव्य दक्षता समाज के समग्र विकास और शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुलिस के कर्तव्यों का सही और ईमानदारी से निर्वाही समाज को अपराध मुक्त, सुरक्षित और सुसंस्कृत बना सकता है। उसी तरह इस मामले में जिस प्रकार से पुलिस कांस्टेबल पूजा गिरी और वैशाली दुर्गकर ने अपनी सतर्कता और संवेदनशीलता साथ ही साथ ईमानदारी दिखाई है, वह काफी सराहनीय है। जब सूत्रों से पता चला है कि इन अपराधियों ने उन्हें घूस देने की भी कोशिश की, लेकिन दोनों नारी शक्तियों ने कानून का साथ दिया। एक और लोग पुलिस पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन दूसरी ओर ऐसी ईमानदारी के दर्शन यकीनन पुलिस के प्रति विश्वास को अधिक दृढ़ बनाता है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष डिमरी की रिपोर्ट।